हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं थ्योरी ऑफ मशीन में हमारा जो टॉपिक है तो बेल्ट, रोप और चेन ड्राइव्स के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेल्ट ड्राइव क्या होती है, रोप ड्राइव क्या होता है और चेन ड्राइव क्या होता है। इसको हम सभी टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बेल्ट ड्राइव के बारे में जानेंगे, बेल्ट और रोप ड्राइव के बारे में, उसके बाद चेन ड्राइव के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें बेल्ट ड्राइव के बारे में जानेंगे, बेल्ट ड्राइव क्या होती है। इसको हम डायग्राम के साथ में सभी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आएंगे बेल्ट ड्राइव। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव में, तो क्या होता है। द बेल्ट्स आर रोप्स, बेल्ट और या रोप आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मीन्स पुल्ली विच रोटेट एट द सेम स्पीड और एट डिफरेंट स्पीड। इसमें क्या होता है, बेल्ट ड्राइव या रोप ड्राइव में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए होता है वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट में। किसके साथ में, पुल्ली के साथ में। पुल्ली के साथ में इसको अटैच किया जाता है, अटैच करके ये एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इसका स्पीड करते हैं। इसमें सेम स्पीड भी हो सकती है या डिफरेंट स्पीड भी हो सकती है। इसमें क्या, सेम स्पीड भी हो सकती है, डिफरेंट स्पीड भी हो सकती है। इसको ही हम बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। बेल्ट ड्राइव का ये इंट्रोडक्शन है कि बेल्ट ड्राइव क्या होता है। बेल्ट ड्राइव एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस जो बेल्ट या रोप में भी ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल जो होता है वो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के लिए पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। इसको पुल्ली के द्वारा स्पीड किया जाता है। ये सेम स्पीड हो सकती है या फिर डिफरेंट स्पीड भी हो सकती है। इसको ही हम बेल्ट ड्राइव बोलेंगे। तो आपको इसमें लिखा हुआ है, द बेल्ट्स आर रोप्स आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मीन्स पुल्ली विच रोटेट एट द सेम स्पीड आर एट डिफरेंट स्पीड। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव क्या होता है। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव देखें तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है बेल्ट ड्राइव के क्लासिफिकेशन है। बेल्ट ड्राइव के मैंने तीन टाइप होते हैं। एक होता है फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट या रोप बेल्ट भी बोलते हैं, रोप भी बोलते हैं इसको। बेल्ट ड्राइव के कितने होते हैं, तीन टाइप होते हैं। एक फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट या इसको रोप भी बोले। फ्लैट बेल्ट के जो टाइप होते हैं वो आपके होते हैं 7 टाइप के होते हैं। फ्लैट बेल्ट है इसके 7 टाइप्स होते हैं। ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुल्ली, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, स्ट्रेप्ड आर कोन पुल्ली ड्राइव, फास्ट एंड लूज पुल्ली ड्राइव। ये होता है आपको फ्लैट बेल्ट के टाइप। फ्लैट बेल्ट के टाइप होते हैं आपके पास 7 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुल्ली, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, स्ट्रेप्ड आर कोन पुल्ली ड्राइव, फास्ट एंड लूज पुल्ली ड्राइव। ये होता है आपके पास फ्लैट बेल्ट ड्राइव के टाइप। अगर आपसे कोई क्लासिफिकेशन पूछता है बेल्ट ड्राइव क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं, तो बेल्ट ड्राइव के मेनली तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट। सर्कुलर बेल्ट को ही हम रोप के नाम से भी जानते हैं। बेल्ट ड्राइव के तीन टाइप होते हैं, लेकिन फ्लैट बेल्ट ड्राइव के 7 टाइप होते हैं जो कि आपको इसमें दिया हुआ है। ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव विथ आइडल पुल्ली, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, स्ट्रेप्ड आर कोन पुल्ली ड्राइव, फास्ट एंड लूज पुल्ली ड्राइव। इस टाइप की आपको एक क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव है जो कि डायग्राम के द्वारा मैंने समझाया हुआ। इसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। आता है हमारे पास मटेरियल्स यूज्ड फॉर बेल्ट्स। बेल्ट के लिए हमारे पास कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लेदर बेल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेदर का भी इस्तेमाल करते हैं, कॉटन या फेब्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कॉटन या फेब्रिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। रबर बेल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, रबर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रबर बेल्ट के नाम से जानते हैं। एक प्लाटा का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको इसको हम वाटा के नाम से जानते हैं, वो उसको बेल्ट प्लाटा बेल्ट ड्राइव कहलाता है। तो ये है मटेरियल्स यूज्ड फॉर बेल्ट ड्राइव। तो हम बेल्ट ड्राइव बेल्ट जो होता है बेल्ट हम इस टाइप से एक लेदर का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, कॉटन या फेब्रिक का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, रबर का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और प्लाटा का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसमें लेदर का बेल्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम लेदर बेल्ट बोलेंगे, लेदर मटेरियल का। तो कॉटन या फैब्रिक का मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कॉटन या फैब्रिक मटेरियल बोलते हैं। रबर का इस्तेमाल करते हैं उसको रबर बेल्ट बोलते हैं। और जब ब्लाटा का मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको ब्लाटा बेल्ट बोलते हैं। तो हमारे पास जो मटेरियल्स यूज होते हैं बेल्ट ड्राइव के वो इस टाइप से होते हैं, लेदर बेल्ट, कॉटन और फैब्रिक बेल्ट, रबर बेल्ट, ब्लाटा बेल्ट। ये इसके मटेरियल्स यूज फॉर बेल्ट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे ओपन बेल्ट। ओपन बेल्ट डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो ओपन बेल्ट जो होता है, इन ओपन बेल्ट ड्राइव बेल्ट प्रोसीड फ्रॉम टॉप ऑफ वन पुल्ली टू द टॉप ऑफ अदर पुल्ली विदाउट क्रॉसिंग। इसमें हमारे पास क्या होता है, ओपन बेल्ट में हमारे पास जो एक ड्राइविंग शाफ्ट, एक ड्रिवन शाफ्ट, दो शाफ्ट लगी होती है जो कि ओपनली इसमें हमारे पास
विदाउट क्रॉसिंग, इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं करते, इसमें ओपन ओपनली इसको बेल्ट को अटैच किया जाता है। बेल्ट प्रोसीड टॉप वन पुल्ली होते हैं, हमारे पास वन पुल्ली होती है, उसके जो टॉप का सिलेक्ट साइड होता है, सिलेक्ट साइड मतलब तो हल्का सा ढीला छोड़ते हैं, और जो बॉटम साइड होता है उसको हम टाइट रखते हैं, तो उसको ओपन बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। तो इसमें लिखा हो इन ओपन बेल्ट ड्राइव बेल्ट प्रोसीड फ्रॉम टॉप ऑफ वन पुल्ली टू द टॉप ऑफ अदर पुल्ली विदाउट क्रॉसिंग। इसको क्या करते हैं, आपस में चढ़ाते हैं ओपन पुल्ली और ड्राइवन पुल्ली, और ड्रिवन पुल्ली में अटैच करते हैं, इसको हम क्रॉस ड्राइव में नहीं अटैच करते, इसको हम सिर्फ ओपनली अटैच करते हैं। बेल्ट प्रोसीड फ्रॉम टॉप ऑफ वन पुल्ली टू द बॉटम ऑफ अदर पुल्ली एंड दस क्रॉस्ड सेल्फ इन ओपन बेल्ट ड्राइव ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट रोटेट इन सेम डायरेक्शन। और ये क्या करता है, आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन जो होती है उनकी सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन के द्वारा इसको हम ओपन बेल्ट बोलते हैं। इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे, ये इसका ओपन बेल्ट ड्राइव का डायग्राम है। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, ये जो पुल्ली है ये ड्रिवन पुल्ली है, ये जो पुल्ली है ये ड्राइवर पुल्ली है, ड्राइवर पुल्ली और ड्रिवन पुल्ली अटैच होती है। ऊपर का आप देखोगे टॉप वाला हिस्सा होता है ये सिलेक्ट साइड होता है, और बॉटम वाला हिस्सा जो होता है वो टाइट साइड होता है। तो सिलेक्ट साइड ये ओपन बेल्ट की खासियत होती है, ये ओपनली अटैच किया जाता है एक दूसरे के ऊपर, ये ओपनली अटैच किया जाता है, इस टाइप से इसको अटैच करते हैं। और अटैच करने में क्या होता है इसमें, कि जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा होता है वो सिलेक्ट साइड होता है, हल्का सा ढीला छोड़ते हैं, और जो ये वाला होता है ये टाइट साइड होता है, इसको हम ओपन बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। इसको हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं, अगर टॉप से देखोगे तो आप इस टाइप से देखेगा, और इस टाइप से एक सेम डायरेक्शन भी रोटेट करते करते इसको हम घुमाते हैं, और ये भी हमारा इसी डायरेक्शन में सेम टू सेम डायरेक्शन में घूमेगा, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में घूमते, इसको हम ओपन बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। इसमें अब आता है हमारे पास लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, ओपन अगर ओपन बेल्ट की लंबाई निकालना है, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास इस टाइप से डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें ये ड्रिवन पुल्ली होती है, ड्राइवर पुल्ली होती है, ड्रिवन पुल्ली और ड्राइवर पुल्ली को आपस में ओपन बेल्ट के द्वारा अटैच किया जाता है। जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो सिलेक्ट साइड होता है, जो बॉटम वाला हिस्सा होता है वो टाइट साइड होता है। ये जो एंगल अल्फा होता है, अल्फा एंगल होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ओ वन पॉइंट होता है जो ड्राइवर पुल्ली होती है उसका सेंटर, ओ टू पॉइंट जो होता है वो ड्रिवन पुल्ली होती है उसका सेंटर होता है। और इसमें जो बेल्ट को अटैच किया जाता है, बेल्ट को अटैच हम इस टाइप से करते हैं, इसमें क्या होता है सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये इस टाइप से रोटेट करेगा, इस टाइप से रोटेट करेगा, ये सेम डायरेक्शन रोटेट करेगा, और रोटेट करने में हमारे पास जो ये डिस्टेंस होती है एक्स डिस्टेंस होती है वो दोनों पुल्ली के बीच की डिस्टेंस होती है आपस के बीच की। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट का, ये फार्मूला होता है, इसको हम इस फार्मूला के द्वारा समझेंगे, एल इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू एक्स प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ये जो फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट का होता है, जहां पर एल जो है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट है, आर वन है रेडियस ऑफ ड्रिवन जो हमारे पास ड्राइवर पुल्ली है उसका है, और आर टू है रेडियस ऑफ ड्रिवन पुल्ली का रेडियस है, एक्स जो है दोनों पुल्ली के आपस के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है। इस टाइप से इसको समझेंगे तो हमारे पास ये जो फार्मूला होता है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट का फार्मूला ये रहेगा, ये रेडियस के फॉर्म में है, अगर डायमीटर के फॉर्म में अगर करना है तो इसको पाई बाई टू के फॉर्म में, ये डी बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा, डायमीटर के फॉर्म में भी होता है तो इसको पाई बाई टू करके लिख देंगे, हमारे पास ये डायमीटर के फॉर्म में पहुंच जाएगा, लेकिन हम इसको रेडियस के फॉर्म में लिखा तो रेडियस के फॉर्म में याद कर सकते हैं इसको फार्मूले को। इसको रेडियस निकालोगे, डायमीटर को रेडियस में चेंज करके इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट निकल आएगा। अब हमने ये जो डिस्कस किया है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट में आपने देखा है कि फार्मूला जो होता है सबको याद करना है, एल इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू एक्स प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ये होता है। जहां पर आपको इसमें डिस्कस किया हुआ आर वन और आर टू है, आर वन आर टू है वो है रेडी ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर पुल्ली, रेडियस होती है लार्जर पुल्ली की और स्मॉलर पुल्ली, लार्जर पुल्ली कौन सी है ड्राइवर पुल्ली है, और स्मॉलर पुल्ली जो है वो ड्रिवन पुल्ली है। तो हम इसको इससे भी समझ सकते हैं कि ड्राइवर पुल्ली और ड्रिवन पुल्ली का रेडियस है। एक्स जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू पुल्ली, जो दो पुल्ली के बीच की जो दूरी है उसको एक्स से डिनोट करेंगे। एल जो आता है इसमें कैपिटल एल, वो है टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की जो टोटल लंबाई है वो एल से डिनोट करेंगे। अल्फा जो होता है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के नाम से भी जानते हैं, एंगल ऑफ लेप के नाम से भी जानते हैं, तो अल्फा जो होता है एंगल ऑफ लेप कहलाता है।
इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट। अब हम इसमें लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट के बारे में, अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस बेल्ट। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है ये ओपन बेल्ट ड्राइव जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली में जो बेल्ट को अटैच करते हैं वो क्रॉस टाइप में अटैच करते हैं, उसको ओपनली अटैच नहीं किया जाता है, उसको एक क्या करते हैं क्रॉस टाइप में अटैच करते हैं। और इसमें क्या होता है जो पुल्ली होती है वो एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करती है। किस टाइप से, जैसे कि ये आपको इस डायरेक्शन रोटेट करेगी, ये इस टाइप से डायरेक्शन करेगी, तो क्या करेगा ये वाली इस टाइप से डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ये एक दूसरे की अपोजिट रोटेशन करती है, इसको हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है द क्रॉस्ड और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव, इसको हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव भी बोलते हैं या इसी को हम ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव भी बोलते हैं। शोन इन फिगर आपको डायग्राम में दिख रहा है, इज यूज विद शाफ्ट अरेंज पैरेलल एंड रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जो शाफ्ट होती है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, पैरेलल भी रोटेट कर सकती है अपोजिट रोटेट कर सकती है। इसमें क्या होता है दोनों टाइट रखे जाते हैं, जो ऊपर वाला जो वाला हिस्सा होता है उसको आप सिलेक्ट साइड रखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है उसको टाइट साइड रखते हैं। तो सिलेक्ट साइड टाइट साइड इस साइड से आता है और इस ये जो बनाया जाता है इसको हम इस डायग्राम को दिख रहा है कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। इसमें ये ड्राइवर पुल्ली है, जो छोटा वाला पुल्ली है वो ड्राइवर पुल्ली है, जो बड़ी वाली पुल्ली है वो ड्रबन पुल्ली है। तो आपको इसमें लिखा हुआ भी है कि इसको इसमें इसमें लिखा हुआ है कि ये ड्रबन पुल्ली है और ये ड्राइवर पुल्ली है, और ये क्या करता है कंटिन्यू रोटेट करता है, इसको हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। इसका अगर हम टॉप व्यू देखें टॉप व्यू इस टाइप से दिखेगा आपको, एक आपको इसमें ये ड्रबन पुल्ली है, ये ड्राइवर पुल्ली है, उसमें एक दूसरे के आपस में क्रॉस टाइप का बेल्ट अटैच करते हैं, इसको हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। इसको हम डायग्राम से समझेंगे लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट। अब हमारे पास जो आता है टॉपिक वो आता है लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखोगे ये ड्राइवर पुल्ली ये ड्रबन पुल्ली, दो पुल्ली जो बनी हुई है छोटी वाली एक बड़ी, इसमें क्या है जो बेल्ट अटैच करते हैं वो क्रॉस टाइप का बेल्ट अटैच करते जो आपको दिख रहा हो। इसमें ये सिलेक्ट साइड होता है और ये टाइट साइड होता है, ये वाला ये जो हिस्सा होता है वो टाइट साइड होता है, ये वाला सिलेक्ट साइड होता है। इसमें हमारे पास जो अल्फा एंगल है ये एंगल बनेगा, एंगल ऑफ लूप कहलाता है, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। एक्स है डिस्टेंस बिटवीन टू पुल्ली, जो आपस की जो दो पुल्ली के बीच की दूरी है, ओ वन सेंटर वन का और ओ टू सेंटर टू का, इस टाइप से आपको इसमें है। और ये रोटेट कैसे कर रहा है, इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो ये वाला इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ये जो अटैच है अटैच इस टाइप से है, अगर देखोगे आप तो ये इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है और ये जो पुल्ली है ये वाली पुल्ली इस टाइप से अटैच कर रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करते हैं, ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव कहलाता है। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव में अगर हम देखेंगे तो लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट सॉरी लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, अगर लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट निकालना है ये तो एल इक्वल टू पाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू एक्स प्लस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ये फार्मूला होता है लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट, क्या जो कि रेडियस में दिया हुआ है, आपको डायमीटर में भी रख सकते हो, डायमीटर में आपको पाई बाई टू रखना पड़ेगा और आपका यहाँ पर आपको टू एक्स लिखना पड़ेगा, तो आपका डायमीटर में फॉर्म चेंज हो सकता है, यहाँ पर डायमीटर को रेडियस में चेंज करके इसमें रख सकते हो। जहाँ पर एल है टोटल लेंथ, आर वन और आर टू है वो है दोनों पुल्ली के बीच के लार्जर एंड स्मॉलर जो पुल्ली है उसका रेडियस, एक्स है दोनों पुल्ली के बीच की दूरी। अब इसको हम देखेंगे वेयर आर वन और एंड आर टू इक्वल टू है रेडियस ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर पुल्ली, जो रेडियस होता है लार्जर पुल्ली का आर वन है और स्मॉलर पुल्ली का आर टू है। एक्स है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ द टू पुल्ली, दो पुल्ली ओ वन ओ टू के बीच की जो दूरी है सेंटर है सेंटर के बीच की दूरी जो है वो एक्स है। एल है टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की टोटल लेंथ। अल्फा इक्वल टू एंगल ऑफ लेप, लेप है कॉन्टेक्ट ऑफ एंगल है अल्फा। अब इसको और डीपली समझने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंस के तौर पर भी देख लेंगे जिसके कारण और क्लियर हो जाए कि ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट में क्या डिफरेंस होता है। ओपन बेल्ट एंड और क्रॉस बेल्ट जो डिफरेंस है उसमें ये होता है ओपन बेल्ट ड्राइव, ये होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। डायग्राम के द्वारा देखा तो डायग्राम के द्वारा इस टाइप से दिखेगा, ये ओपन बेल्ट ड्राइव है ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। इसमें क्या होता है हमारे पास एक ड्राइवर पुल्ली एक ड्रबन पुल्ली दी हुई है और इसमें ओपनली बेल्ट को अटैच किया जाता है, ओपनली बेल्ट अटैच करते तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है इसको क्रॉस बेल्ट ड्राइव अटैच करते हैं क्रॉस बेल्ट, और ये क्या करता है सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है। सेम डायरेक्शन में कैसे रोटेट करता है, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराओगे
तो ये पुल्ली भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये ओपन बेल्ट की खासियत होती है। और ये क्या करता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, ये एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कैसे ये इस टाइप डायरेक्शन में घूमेगा तो ये इस टाइप डायरेक्शन में घूमेगा, तो एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसको क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। और इसमें आप देखोगे ये जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो सिलेक्ट साइड होता है, ये जो हिस्सा होता है वो टाइट साइड होता है बॉटम साइड का, और इसका जो हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा सिलेक्ट साइड होता है और ये वाला हिस्सा टॉप टाइट साइड होता है। आपको ये डायग्राम के द्वारा समझाया गया है ओपन बेल्ट क्रॉस बेल्ट में डिफरेंस क्या होता है। अब डिफरेंस देखेंगे हम तो दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है ओपन बेल्ट में जो दिया हुआ है टू पुल्लीज रोटेट इन दिस सेम डायरेक्शन, दोनों पुल्ली की जो रोटेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो होता है पुल्लीज रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो पुल्ली रोटेट करते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। दूसरा है लेंथ ऑफ द बेल्ट इज स्मॉल, जो दोनों बेल्ट की जो लंबाई होती है, जो हमारे पास लेंथ ऑफ बेल्ट होता है इसकी लंबाई छोटी होती है ओपन बेल्ट की, और लेंथ ऑफ द बेल्ट इज लार्ज। जो क्रॉस बेल्ट होता है क्रॉस बेल्ट में जो बेल्ट की लंबाई होती है वो बड़ी होती है। एंगल ऑफ लेप इज डिफरेंट फॉर ड्राइवर एंड ड्रिवन पुल्ली, जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है एंगल ऑफ लेप होता है ओपन बेल्ट का वो होता है ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली का अलग अलग होता है, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो एंगल ऑफ लेप होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली का सेम होता है। तो इसको हम डिफरेंस के द्वारा समझते हैं, तीन डिफरेंस इसके मेन है, दोनों पुल्ली सेम डायरेक्शन रोटेट करती है ओपन बेल्ट ड्राइव में, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है दोनों पुल्ली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करती है। दूसरा है लेंथ ऑफ द बेल्ट इज स्मॉल, जो आपका ओपन बेल्ट होता है ओपन बेल्ट ड्राइव में जो बेल्ट की लंबाई होती है वो छोटी होती है, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव की जो बेल्ट की लंबाई होती है वो बड़ी होती है लार्जर होती है। एंगल ऑफ लेप इज डिफरेंट फॉर ड्राइवर एंड ड्रिवन पुल्ली, ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली का जो एंगल ऑफ लेप होता है वो डिफरेंट होता है। और इसमें जो होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव में एंगल ऑफ लेप जो होता है ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली का वो सेम होता है। इसको इस तरीके से हम ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव से समझ सकते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होता है इन कंपाउंड बेल्ट ड्राइव अरेंज्ड अ पार्टिकुलर शाफ्ट टू आर मोर पुल्ली, इसमें क्या होता है दो या दो से अधिक पुल्ली को अटैच किया जाता है, अटैच करके एक दूसरे के ऊपर बेल्ट को अटैच करते हैं जिसके द्वारा आप उसको कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। किस टाइप से अटैच किया जाता है, जैसे इट एलिमिनेट्स द लार्जर पुल्ली ड्राइवन पुल्ली, इसमें जो बड़ी पुल्ली होती है वो ड्राइवन पुल्ली होती है। इन द कॉम्बिनेशन पुल्ली बी एंड सी, आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में है हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है वन पुल्ली टू पुल्ली और थ्री पुल्ली, इसमें अटैच किया हुआ दो पुल्ली इस पुल्ली इसके छोटी वाली पुल्ली से बड़ी वाली पुल्ली को अटैच किया, इस वाली बड़ी वाली पुल्ली से इस छोटी वाली पुल्ली को अटैच किया हुआ। तो ये इस टाइप से जो कंपाउंड ड्राइव को अटैच करते हैं इसको हम बोलते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। अब इसको अगर डायग्राम के द्वारा समझा तो डायग्राम इस टाइप से होता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि हमारे पास ये जो दोनों बेल्ट ये और ये बड़ा बेल्ट जो बड़ा ड्राइवर है उसको हम बोलेंगे ड्राइवर, और जो छोटा वाला है उसको हम फॉलोवर बोलते हैं। इसमें ड्राइवर के ड्राइवर रोटेट करता है जो कि फॉलोवर जो होता है वो उसको फॉलो करता है, जैसा वो रोटेट करेगा वैसा उसको फॉलो करेगा। तो क्या होता है कि हमारे पास इस शाफ्ट में एक पुल्ली लगी हुई है बड़ी वाली, उसका बेल्ट गया है कहाँ पर, जो हमारे पास बीच वाली जो पुल्ली है उसमें हमारे पास दो लगे हुए, एक बड़ा लगा हुआ है एक छोटा लगा हुआ, एक मतलब फॉलोवर लगा है एक हमारे पास ड्राइवर लगा हुआ है। तो बड़े वाले उसके साथ में छोटी वाली उसको बेल्ट को अटैच किया हुआ इस टाइप से, और ये वाला बड़े वाले को इस वाले छोटे से अटैच किया हुआ। और जब ये रोटेट करेगा तो क्या करेगा, जब ये रोटेट करेगा हमारे पास ये जो घूमेगा इसके साथ में ये फॉलो करेगा छोटा वाला, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास इसमें ये रोटेट करेगा तो ये वाला भी इसके साथ में रोटेट करेगा। तो इस जो एक दूसरे के सापेक्ष जो एक दूसरे के सापेक्ष रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। इसको अगर टॉप से देखो टॉप से इस टाइप से दिखेगा, ड्राइवर फॉलोवर ड्राइवर फिर फॉलोवर, एक दूसरे के ऊपर बेल्ट को अटैच किया हुआ और एक दूसरे के सापेक्ष गति करते रहते हैं, इसको हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बोलते हैं।